आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जिसमें मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ बिल्कुल मार्केट जैसी मैंगो आइसक्रीम बनाई है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, अमूल क्रीम और एक मैंगो को जो उसका मैंने पल्प निकाल लिया है अच्छे से। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइस लेंगे, आइस को एक मैंने बड़े बाउल में डाल दिया है, इसके ऊपर एक और बाउल रखेंगे हम और जो क्रीम है हमारी हम इसमें डाल देंगे। क्रीम को बाउल में निकालने के बाद हम हैंड विस्क या बीटर से इसको 10 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। क्रीम को 10 मिनट बीट करने के बाद देखिए इसका ये ज्यादा फूल भी गई है अच्छे से। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क मिलाएंगे, आपको जिस हिसाब से मीठा पसंद हो उस हिसाब से इसमें कंडेंस मिल्क मिला सकते हैं। मैंगो का पल्प डाल देंगे इसमें, 250 ml अमूल क्रीम में मैंने आधा यानी 200 ग्राम कंडेंस मिल्क मिलाया है जिसमें उसमें मीठापन अच्छे से हो गया है। फिर से इसको हम चला देंगे बीटर से। सारी चीजें अच्छे से इसमें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे येलो, जिसमें इसका कलर अच्छा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और फिर इस कलर को मिक्स कर देंगे हम बीटर से ही। येलो कलर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें मैंने। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक बॉक्स लेंगे, एयर टाइट बॉक्स, आप शायद बाहर से खाना मंगाते हो तो उसमें ये आता है, और ये सारी आइसक्रीम का जो हमने बैटर बनाया है वो इसमें डाल देंगे। बॉक्स के ऊपर मैंने एयर टाइट ढक्कन लगा दिया है। अब इसको हम 12 घंटे तक फ्रीजर में रखेंगे, फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे। पूरी रात फ्रीजर में रखने के बाद मैंने आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है। अब इसका ढक्कन हम खोलते हैं, आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। इसको हम स्कूप से स्ट्रेप से निकाल लेंगे। पिस्ता लगा देंगे इसमें। मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है।